Assalamu alaikum. Dear students, we have read the poem Cuckoo. Now let's understand meaning of the poem. Aziz talba, humne Cuckoo is nazm ko padha. Aaiye, ab hum iska matlab samajh lete hain. Sabse pehle, ab hum yahan pehli do lines le lete hain. Cuckoo, cuckoo, what do? Yahan par Cuckoo se यानी कोयल से सवाल किया गया है कि कुकु कुकु व्हाट डू, तुम क्या करते हो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट दो लाइन लेते हैं। इन अप्रैल आई ओपन माय बिल। यहाँ पर कुकु ने सवाल का जवाब दिया है कि इन अप्रैल आई ओपन माय बिल। अप्रैल के महीने में मैं अपनी चोंच खोलता हूँ। बिल का मतलब होता है बीक। इसे हम उर्दू में कहेंगे चोंच। इन अप्रैल आई ओपन माय बिल। इसका मतलब ये है कि कुकू अप्रैल के महीने में गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट दो लाइन लेते हैं। इन मे आई सिंग ऑल डे। यानी कि कुकू ये परिंदा ये बर्ड हमसे ये कह रहा है कि इनमें आई सिंग ऑल डे। मई के महीने में मैं पूरा दिन गाता हूँ। नेक्स्ट दो लाइन लेते हैं। इन जून आई चेंज माई ट्यून। इन जून आई चेंज माई ट्यून। इसका ये मतलब होता है कि कुकू हमसे ये कह रहा है कि जून के महीने में मैं अपने गाने का तरीका बदल देता हूँ। यानी कुकू के अपने ट्यून चेंज करने का मतलब है कि वो अपने गाने का अंदाज बदल देता है। इन जून आई चेंज माय ट्यून। नेक्स्ट दो लाइन लेते हैं। इन जुलाई अवे आई फ्लाई। यानी कुकू ये कह रहा है कि मुझे जुलाई में दूर उड़ना है। अवे का मतलब होता है दूर और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुकू जुलाई में दूर उड़ने की तैयारी कर लेता है। अब हम लास्ट की दो लाइन लेते हैं। इन अगस्त गो गो आई मस्ट। यानी कुकू हमसे ये कह रहा है कि अगस्त के महीने में गो गो आई मस्ट। मस्ट का मतलब होता है लाजमी। यानी कि अगस्त के महीने में मुझे जाना लाजमी है। यानी हमें ये बात समझ में आती है कि अगस्त के महीने में कुकू ये परिंदा चला जाता है, उसे जाना ज़रूरी होता है। मस्ट यानी ज़रूरी या लाजमी। अजीज़ तलबा, आपने इस नज़्म का मतलब समझ लिया है। अब चलिए इस नज़्म की अगली एक्टिविटी की तरफ।